से आ गई हूँ और यहाँ पे देखो अभी हम लोग डिनर करना है, सब लोग हैं मेरी फैमिली। एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है जन्माष्टमी का डे टू और देखो मैं अभी मतलब नहावा के रेडी हो गई हूँ और पता है हम लोग कल रात में 3 बजे सोए थे तो अभी सुबह 10 बज गए मुझे मतलब रेडी होने में और कान्हा जी को उठाने में बहुत लेट हो गया। आज डे टू है, कान्हा जी अभी तक सो रहे हैं। ये देखो ये झलक देखो लल्ला की देखो। ठीक है अभी मैं आ गई हूँ कान्हा जी को मतलब रेडी करने, अभी उनको उठाएंगे, दूध पिलाएंगे और सब कुछ रेडी करेंगे। ठीक है देखो इनका दूध में चीनी डाल के गर्म करके मैं लेके आई हूँ, ठीक है चांदी ग्लास में, और अभी कान्हा जी इसको पियेंगे और फिर नहाएंगे और मैं आपको सब कुछ शो करूँगी। और आज थर्सडे है इसलिए कान्हा जी येलो कलर का पहनने वाले हैं और मैं जैसे जैसे रेडी करूँगी ना पूरा आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है कमेंट करना कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मैं कान्हा जी को उठाए थे और कान्हा जी को ना 3 ताली मार के और थोड़ा सा झूला झूला के उठाते जैसे छोटे से छोटे न्यू बॉर्न बेबी को उठाते हैं ना उस तरह से कान्हा जी को उठाया। और यहाँ पे मैं कान्हा जी का बेड पालना वगैरह को क्लीन कर रही थी ताकि वो कंफर्टेबली नहाने के बाद आराम से बैठ सके। दो मिनट बैठिए यहाँ पे शांति से, अभी नहला रही हूँ ठीक है। और कैसे यहाँ पे ना जो कान्हा जी ने क्यूट सी फ्रॉक पहनी हुई है पिंक कलर की जो डे वन की थी उसको मैं धीरे धीरे से निकाल रही थी और कान्हा जी को नहाने के लिए रेडी कर रही थी क्योंकि कान्हा जी ऐसे रेडी रहती क्योंकि आज थर्सडे था तो मैंने येलो कलर की ड्रेस उनके लिए चूज की थी एंड साथ में चंदन को बहुत प्यारा टीका लगाई थी उनको। कान्हा जी को ना उनके सारे एक्सेसरीज बना दी जाए लाइक जैसे दो चूड़ियां हैं, उनका बांसुरी है, उनका माला है। तो ये देखो इनकी चूड़ियां ये ऐसे रहती हैं। कान्हा जी चूड़ी पहन लीजिए। और ये था कान्हा जी का फाइनल लुक बांसुरी लगा के। देखो कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना जैसे कृष्णा लिखो ना कान्हा जी को ना भर भर के तारीफ कर देना आप लोग। ओके तो गाइस अभी कान्हा जी का पूजा हो गया, ठीक है मतलब पूजा नहीं हुआ, कान्हा जी का भोग लग गया, कान्हा जी दूध पी चुके हैं। ठीक है अब क्या करूँगी मैं, कान्हा जी को ना भोग लगा देंगे, ठीक है बाकी सारे मतलब भगवान जी लोग को भोग लगाना भी। तो गाइस देखो कोई आंटी है और कान्हा जी को ये गिफ्ट मिला था कल, और किसने गिफ्ट दिया मैं देख नहीं पाई थी बट ये क्यूट सा फ्रॉक है कान्हा जी का ब्लू कलर का जो कान्हा जी को गिफ्ट मिला है। ठीक है तो सैटरडे को आंटी मैं आपका ये अगर पहनाऊंगी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम कान्हा जी फॉर दिस क्यूट गिफ्ट। और साथ में इसका सेट का ना ऐसे मुकुट है, माला है, बांसुरी है, इयररिंग्स भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्यूट सा गिफ्ट फॉर कान्हा जी। ओके और ये स्प्रे दीपांशी जी ने दिया है कान्हा जी को स्प्रे करने के लिए क्योंकि कान्हा जी को ना अच्छा अच्छा पहनना और अच्छा अच्छा महकना बहुत पसंद है, तो मैं ये कान्हा जी को स्प्रे कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधिका चमक रही आली, लगन में ठारे बनवाली। 4 बज गए ना तो अभी कान्हा जी के फिर से उठने का टाइम हो गया, मतलब 12 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर 12 बजे सो जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे उठते हैं, तो फिर दोबारा से दूध पीते हैं और कुछ फल वल खाते हैं। ठीक है तो अभी मैं कान्हा जी को दोबारा से उठाने जा रही हूँ और इसके बाद ना आज मेरे को कहीं जाना है लाइक होटल क्लार्किंग में जाना है एज अ वॉलंटियर ऑफ रॉबिन हुड आर्मी। तो वहाँ पे एक्चुअली इस्कन ग्रुप का जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रहा है तो मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ, प्लीज़ उसको अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। गाइज ये वीडियो होटल क्लार्क इन के एंट्री का है जहाँ पे इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे अंजय को बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
अभी 7:30 हो रहा है और मैं इस्कन में आ चुकी हूँ, लेकिन इस्कन नहीं मतलब क्लार्किन में आ चुका हूँ। यहाँ पे इस्कन कम्युनिटी का जो भी प्रोग्राम हो रहा है, तो इधर यार कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, और इतनी शांति है, इतनी पीस है ना यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने देखो ये टीका भी लगा रखा है इन्होंने, जो भी इसको कहते हैं ये टीका लगा रखा है, और अंदर जो फंक्शन हो रहा है उसका मैंने वीडियो भी डाला था, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गैस मैं एज अ वॉलंटियर गई थी वहाँ पे, तो मैं मेरा काम था वहाँ पे प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो हरे कृष्णा करके मैं सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट गई थी। काफी मजा आया वहाँ पे, बहुत सुकून था, काफी मजा आया। तो गैस अभी मैं वहाँ से निकल गई इस्कन टेम्पल से, सॉरी इस्कन टेम्पल कह रही हूँ, आई मीन क्लर्क होटल क्लर्क से निकल गई हूँ, और अभी मैं अपनी स्कूटी ले आई हूँ मॉल में, और अभी यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। ऑलरेडी 10:30 हो चुका है, पापा बहुत खुश होंगे। वहाँ से आ गई हूँ और यहाँ पे देखो अभी हम लोग डिनर करना है, सब लोग हैं मेरी फैमिली में, क्योंकि पक्का सब लोग थक गए होंगे और खाना नहीं भूल पाए, घर में फंक्शन चल रहा होगा, तो मम्मी यही बात है ना। हाय अरे हरे कृष्ण, तुम्हें बोल रही हूँ ये थकी हुई लड़की, आज पापा गुस्सा नहीं रहे मेरे ब्लॉग। देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, ये देखिए इनसे ज्यादा सुंदर मैं, ब्लॉगिंग में क्या इनसे ज्यादा सुंदर मैं हूँ। देखिए मैं अपनी असली मां, सब लोग यहाँ पे राधे राधे लगा के, ये लगा के घूम रहे थे, बदल जा रहे थे। नहीं सब खाओ जी, सांभर सब खाना है, सांभर खाना।